प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर रहे। हर एक की कोशिश होती है कि चीज़ें वो की जाएं जिससे हम और हमारे अंग संग जो भी जी रहे हैं सब खुश रहें, लेकिन उसके बावजूद ज़िंदगी में कई वाक़े हो जाते हैं कि हमारे चाहते हुए कि सब कुछ खुशी के माहौल में रहे, चीज़ें ऐसी रहती नहीं। इंसान सोचता है कि अगर उसके रिश्ते नाते ठीक रहेंगे तो शायद उसकी ज़िंदगी बड़ी खुशियों से गुजरेगी, क्योंकि जब रिश्ते नातों में कुछ हलचल होती है तो फिर अंदर से इंसान सुखी नहीं रहता। हम चाहते हैं हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, उनसे रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे रहें, लेकिन कोशिश करने के बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सी जगह पति पत्नी के ताल्लुकात ठीक नहीं रहते, माँ बाप और बच्चों के ताल्लुकात ठीक नहीं रहते, भाई बहन के ताल्लुकात ठीक नहीं रहते, रिश्तेदारों में कुछ अनबन हो जाती है क्योंकि कोई कुछ करता कुछ है, कुछ समझता कुछ और है। और हम देखते हैं कि बहुत हमारा समय इन चीज़ों में गुजर जाता है जो कि हमारी ज़िंदगी में हलचल पैदा करती रहती हैं। इस अवस्था में से हम में से बहुत से भाई बहन गुजरते हैं, क्योंकि रिश्ते नाते हर एक के हैं और सिमिलर सिचुएशंस बहुतों की ज़िंदगी में आती रहती है। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसके ज़रिए कुछ ऐसा हो जो उसके बाल बच्चों को दिक्कत दे, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो सोचते हैं कि माँ बाप हमारे लिए शायद इनफ नहीं करते। कोई पति नहीं चाहता कि उसकी पत्नी को तकलीफ़ हो, लेकिन बहुत सी पत्नियाँ हैं जो सोचती हैं शायद हमारे पति हमारा ख्याल नहीं करते। कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसके पति को तकलीफ़ हो, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जिसमें कि लगता है कि शायद तकलीफ़ वहाँ से आ रही है। ऐसे ही भाई बहनों में और रिश्तेदारों में इंसान तो यही सोचता है कि मेरा खून का रिश्ता है, इससे आगे कोई रिश्ता होगा नहीं, लेकिन जैसे ज़िंदगी बढ़ती चली जाती है तो हम देखते हैं कि हलचल हमें सबसे ज़्यादा उनसे आती है जिनको हम बहुत अपना नज़दीकी समझते हैं। जितनी नज़दीकी हम किसी को देते हैं या समझते हैं, उससे कहीं ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, और जब वो चीज़ें इंसान ऐसी एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है जो कि नामुमकिन है, तो फिर हलचल 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 सब तरह होती चली जाती है। तो इंसान ज़िंदगी जिए कैसे? प्रभु ने हमें इस माहौल में भेज दिया, एक घराने में पैदा कर दिया, माँ बाप भाई बहन हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। बड़े होते हैं तो शादी होती, पत्नी अपने बाल बच्चे के साथ, चाचा ताया मामा, कई रिलेशनशिप जुड़े हुए हैं जिसमें कि हमने जीना है। और जहाँ से लगता है खुशी ज़्यादा मिलनी चाहिए, वहाँ से जब दर्द आता है तो वो इंसान संभाल नहीं पड़ता। तो उस एनवायरनमेंट में इंसान जिए कैसे? हम सब ये तो जानते हैं कि महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं तो उनकी ज़िंदगी सुख चैन से भरी हुई थी।
चाहे हम एक धर्म में बिलीव करें चाहे दूसरे में बिलीव करें, प्रभु को हम किसी भी रूप में, उनमें हमारा फेथ हो, उनमें विश्वास हो। हिस्ट्री की ओर देखें तो कई संत महात्मा आए, उनकी जिंदगी की ओर जब देखते हैं तो उनसे हम कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। उनकी जिंदगी सुख चैन की जिंदगी थी और वो चाहते थे कि औरों की जिंदगी भी सुख चैन से भरपूर हो। इसीलिए आज लाखों करोड़ों लोग उन महापुरुषों का, जो कि हिस्ट्री में आ चुके हैं, उनकी टीचिंग्स, उनके विचार अपनी जिंदगी में ढालने की कोशिश करते हैं। और जब हम उनकी ओर ध्यान देते हैं तो हमें जिंदगी क्या है उसको समझने का चांस मिलता है। ये जिंदगी क्या है, अगर इंसान को ये सही मायने से समझ में आ जाए तो उसकी जिंदगी हरी भरी होगी, क्योंकि हम उस एटमॉस्फेयर में डाले गए हैं जहां ये सब फोर्सेस हमारे अंग संग हैं। तो उस माहौल में जीते हुए जिंदगी क्या है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सी बार तो इंसान ये समझता है कि शायद जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके कंधों पर हैं वही निभाना जिंदगी है। अगर आप एक परिवार के हेड हो तो शायद आपको यही लगता है कि मुझे परिवार के लिए प्रोवाइड करना है, सबके लिए सब कुछ ठीक ठाक हो, इसके लिए मेहनत करनी है, पैसे कमाने हैं बाल बच्चों के लिए और इनको एस्टैब्लिश करना, और यही मेरा काम है। तो ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं। अगर आप माँ हैं तो शायद आपको यही लगता है कि मेरा काम है घर में खाना बनाना, सबको ठीक ठाक चीज़ें खिलाना, उनका ख्याल रखना, घर को संभालना ताकि बाल बच्चों को दिक्कत ना हो, बस यही काम है। और जिस जिस पहलू से जिंदगी से हम गुजर रहे होते हैं, बचपन के, फिर जवानी के, और फिर जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उन उन पहलुओं को पूरा करते करते ही इंसान अपनी जिंदगी गुजार देता है। जब महापुरुषों की टीचिंग्स को हम सुनते हैं तो बार 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 वो हमें समझाते हैं कि ये जो दुनिया है और जिनको हम अपना समझते हैं और जिनके लिए हम सारा अपना समय स्पेंड करते हैं, कि ये अट्रैक्शंस हैं जो हमें 84 लाख जिया जून में फंसाई रखेंगे। वो बार बार समझाते हैं कि जितना ज़्यादा ध्यान इस दुनिया की ओर करोगे उतना ही आपको दुख दर्द मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बाहर से चाहे लगे कि हमारे नज़दीकी हैं, लेकिन असलियत में ये सब हमें, जो हमने करना है, जो हम करने आए हैं, जो हमने पाना है, जो हम पाने के लिए आए हैं, उन सब से हमें दूर रखते हैं। तो वहां पर समझाते हैं कि असलियत को हम जानने की कोशिश करें, ये ना सोचें कि सुबह से शाम तक सिर्फ ये परिवार के अंदर जीते हुए रिश्ते नातों को निभाते हुए ही जिंदगी गुजर करनी है। ये जाने कि जिंदगी हमें प्रभु ने कुछ पाने के लिए दी है, और अगर उसको हम पा ना सके तो ये सुनहरा मौका जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है असलियत को जानने का, ये हम गवा बैठेंगे। जब महापुरुषों के वचनों को पढ़ते हैं, उनकी टीचिंग्स को पढ़ते हैं, तो बार 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 वो हमें समझाते हैं कि मन माया
के जाल में जो धंसता चला गया और उसमें से निकल ना पाया, तो वो कुछ भी पाए बगैर यहाँ से चला जाएगा। और अगर कुछ पाना है तो इस माया की दुनिया में जीते हुए असलियत की जानकारी पाते हुए हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में लिखा है, जिन्होंने रूहानियत के पहलू खोल खोल के समझाए हैं, जिनकी जब हम जिंदगी देखते हैं, और आप में से कई भाई बहन बड़े खुशकिस्मत थे कि आपने संत दर्शन सिंह जी महाराज को बड़ी नज़दीकी से देखा, तो हम देखते हैं कि वो बार 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 हमें समझाते थे कि हम सब असलियत को जान सकते हैं, हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। अगर हम ध्यान सही तरीके से सही और लगाएंगे, ध्यान हम जिस और लगाते हैं उस जैसे ही हम बन जाते हैं। अगर ध्यान सिर्फ घर गृहस्थी में लगेगा तो फिर घर गृहस्थी के ऊंच नीच में ही इंसान फंसा रहेगा। तो अगर पिता परमेश्वर को पाना है तो ध्यान उनकी ओर करना होगा। वो फरमाते हैं कि मिलेगा रूह को परवाज, देख देख जरा करीब है, उसे आवाज देके देख जरा, कि पिता परमेश्वर हमें जरूर मिलेगा। हमने करना क्या है कि अपनी रूह को उड़ान देनी है। अब रूह को उड़ान कैसे दें, रूह क्या है पहले तो ये समझ में आना चाहिए। वो ताकत जो हमें जान देती है, वो ताकत जो जब तक हमारे शरीर में है, ये शरीर चलता है, वो ताकत जो प्रभु का हिस्सा है, वो ताकत जो इस शरीर में बसते हुए अपने स्रोत के साथ जुड़ सकती है, उसे रूह कहें, आत्मा कहें, सोल कहें, स्पिरिट कहें, कि उसका हम अनुभव कर सकते हैं। अभी तो हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते, हम सोचते हैं कि सिर्फ जो इंद्रियों के जरिए होता है, जैसे आँखों से इंसान देखता है, कानों से सुनता है, नाक से सूंघता है, जबान से चखता है, और स्पर्श की इंद्रिय। अभी हम सोचते हैं कि इन इंद्रियों के जरिए ही सब कुछ होता है, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि वो ताकत जो इस शरीर को जान दे रही है, जब शरीर को जान देते तभी इंद्रियां काम करती हैं, उस ताकत का हम अनुभव कर सकते हैं अगर ध्यान इस शरीर से परे उठाएं, कि करीब है, कि प्रभु हमसे दूर नहीं, लेकिन उसे हमें सिंसेरिटी से पुकारना है, एक लगन से पुकारना है, एक प्रेम से पुकारना है। और जब एक इंसान के अंदर तड़प होगी, लगन होगी पिता परमेश्वर को पाने की, तो खुद ब खुद पिता परमेश्वर ऐसा जरिया उसकी ज़िंदगी में बना देते हैं ताकि वो पिता परमेश्वर को पाने के लायक हो। वो रास्ता प्रभु को पाने का उसके लिए खुलना शुरू हो जाता है। हम खुद ब खुद किसी महापुरुष के चरण कमलों में पहुंच जाते हैं, जिनकी तवज्जो से हम अपने आप को सही रूप में जान पाए। अब प्रभु को पाने के रास्ते में मन माया की तरफ से हमें रुकावटें जरूर आएंगी, और उन रुकावटों को हमने अलग कर देना है। वो अलग तब होंगी जबकि हमारा निश्चय सच्चाई को जानने का दृढ़ होगा,
क्योंकि पक्का निश्चय होगा हमारा कि हम प्रभु को पाना चाहते हैं, हम सच्चाई को जानना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी को सुखी करना चाहते हैं, तो तब हम फिर अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया है कि हम अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते, क्या क्या तकलीफें हमारी जिंदगी में आती हैं। वो फरमा रहे हैं कि ना पहुंचे मुसाफिर तेरे नक्शे पा तक, कि जो महापुरुष हैं जिनके पदचिन्ह है हमारे लिए, जिनके अगर पदचिन्हों पर हम चलेंगे तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो आपके पदचिन्ह हैं उस पर ये मुसाफिर पहुंच क्यों नहीं सक रहे, क्यों? ये तो हमें पता है कि पिता परमेश्वर को याद करेंगे, उनकी ओर ध्यान करेंगे, उनको जानेंगे पहचानेंगे तो जिंदगी सुख से भरी होगी, दुख दर्द से हम दूर होंगे, इसकी जानकारी शायद हम सबको है। शुरू से जब से बच्चे यही सुनते आते हैं कि अगर प्रभु में यकीन होगा, अगर हम उस अवस्था में पहुंच जाए जिसमें तेरा भाना मीठा लागे, कि हम जाने कि जो कुछ हमारे लिए हो रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए हो रहा है, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, तो फिर हम शांति से अपनी जिंदगी गुजार पाएंगे। पर उस अवस्था तक हम पहुंचते नहीं। तो फरमा रहे हैं कि ना पहुंचे मुसाफिर तेरे नक्श पा तक, अभी राह में संगे दर देखते हैं। कि क्या रहा कि अभी रास्ते में जो पत्थर हैं, जो रुकावटें हैं, जो कि सबसे ज्यादा हमें अपने शारीरिक जो रिलेशनशिप है वहां से आती हैं, और दरवाजे, संगे दर का मतलब होता है पत्थर और दरवाजे, उन्होंने कहा है कि अभी राह में संगे दर देखते हैं। पत्थर लाइक रुकावटें हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग रुकावटें आती हैं, मन नहीं चाहता हम पिता परमेश्वर को, और दरवाजे कि हम रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाजे ऐसे मिलते हैं जो हमें और प्रभु से दूर ले जाते हैं। इंसान कई बार सोचता है शायद खुशियां, शायद आनंद हमें बाहर की दुनिया में मिलेगा, तो बाहर की दुनिया की जो एंटरटेनमेंट है उसमें इंसान लग जाता है। वो एंटरटेनमेंट का एक दरवाजा है, स्पोर्ट्स का एक दरवाजा है, और चीज़ों के और दरवाजे हैं कि इंसान यहाँ पे खटखटाता है, यहाँ पे खोजता है, सोचता है शायद यहाँ से कुछ मिलेगा, और फिर पता लगता है ये तो हमें और दूर ले आए हैं, फिर एक दूसरा दरवाजा जाके खटखटाता है। तो पत्थर और दरवाजे का एग्जाम्पल संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें दिया ताकि हम जाने कि हम करते क्या हैं। हम में से नहीं कई बार हमारे घर के आसपास कोई रहता है, कहता है जी यहाँ जाओ तो आपको बड़ा फायदा होगा, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, वो चीज़ बड़ी अच्छी है, तो हम भी उनके पीछे चल पड़ते हैं और फिर रियलाइज करते हैं थोड़ी देर के बाद ये कि ये तो और टाइम बर्बाद हो गया। सो हमें अलग अलग अट्रैक्शंस, अलग अलग खिंचाव, अलग अलग रास्ते देखने को मिलते हैं जो कि काल ने यहाँ लगाए हुए हैं, जो माया ने यहाँ डाले हुए हैं, और उनमें ही हम फंस जाते हैं। इसी करके ना पहुँचे मुसाफिर तेरे नक्श पाकर, इसी करके हम जो एक रास्ता एक पूर्ण सदगुरु हमें बताते हैं उस पर चल नहीं पाते। बहुत सी बार हम किसी पूर्ण महापुरुष के सत्संग में भी पहुंचते हैं और उसके बावजूद भी जो वो कहते हैं उस पर अमल कर नहीं पाते, क्योंकि ये जो बाकी फोर्सेस हैं ये हमें परे कर देती हैं। इंसान की स्टेजेस जिसमें से वो गुजरता है, सबसे ज़्यादा समय जिसे बाहर आत्मा कहते हैं, कि वो आत्मा जिसका ध्यान बाहर की ओर पर, उस स्टेट में इंसान रहता है हर समय, क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, उसी को असली समझते हैं, वैसे जिंदगी जीते हैं। सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, काम पर चल जाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, शरीर को तंदुरुस्ती मिले,
और बस सुबह से रात तक यही काम करते रहते हैं कि शरीर शांत रहे, और अगर रिलेशनशिप्स हैं उनको भी ठीक करते रहते हैं, और भूल जाते हैं कि सबसे ज़रूरी काम है आत्मा की तंदुरुस्ती। उस और ध्यान नहीं देते जो बाहर आत्मा ज़्यादा, तो इंसान उसी स्टेट में जीते हैं। अंतर आत्मिक वो होता है जब उसका ध्यान पड़ता है कि ओहो बाहर तो कुछ भी नहीं है, असलियत मेरे भीतर है, तो वो अंदर की दुनिया में जाने की कोशिश करता है। वो स्टेट कम लोगों की लाइफ में आती है, और जो अंतर्मुख होता है अंदर की तरफ जाता है, वो फिर अपने आप को जो अपना रियल स्टेट है, जो आत्मिक स्टेट है, उसका वो अनुभव करता है। और जिसने अपने आप को जान लिया उसकी अवस्था बेहतर है, क्योंकि फिर वो तीसरी स्टेट तक पहुंचता है जिसमें कि अपने आप का मिलाप वो परमात्मा में करवाता है। वो थर्ड स्टेज है जिसमें कि आत्मा प्रभु में जाकर लीन होती है। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें से हम गुजरते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो बाहर आत्मिक स्टेज पे ही रह जाते हैं और उसके आगे कदम बढ़ा नहीं पाते। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने बार 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 हमें ये समझाया कि हमें अंदर की दुनिया में जाना है। एक बाहर की दुनिया है, एक अंदर की दुनिया है। सारे खंड मंडल हमारे भीतर हैं, ये शायद इंसान की समझ से बाहर हो, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि सब कुछ हमारे बाहर ही है, तो उसको समझना बड़ा मुश्किल है कि हमारे अंदर प्रभु कैसे बस सकते हैं। ये शायद इंसान ना समझ पाए कि लगता है प्रभु इतनी बड़ी ताकत एक छोटी से शरीर में कैसे जाएगी, पर प्रभु हमारे भीतर हैं। ये सारे महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं, उनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं कि उनको हम जान सकते हैं। हमने ध्यान उनकी और करना है। अगर ध्यान उनकी और करेंगे तभी उनको पाएंगे, अगर ध्यान बाहर की ओर करते रहे तो उनको कैसे पाएंगे। किसी चीज़ को जानना है, पहचानना है, पाना है, तो ध्यान उस ओर करना पड़ेगा। तो हमें ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करना है, इसीलिए हम सिमरन करते हैं। सिमरन इंसान क्यों करता है? ताकि उसका ध्यान प्रभु की ओर लगे। सिमरन का मतलब ही है कि प्रभु के नाम का जाप, और वो जाप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर ज़्यादा जगह। इसीलिए समझाया जाता है कि दिन में जब भी हम कोई मानसिक कार्य ना कर रहे हों तो हम प्रभु के नाम का जाप करें। तभी जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठेंगे तो असलियत की हम जानकारी पाएंगे। तुलसी साहब ने एक जगह बड़े प्यार से समझाया है कि हमारी हालत क्या है। जैसे दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि पत्थर हैं, दरवाजे हैं, अलग अलग एरियाज हैं, अलग अलग रुकावटें हैं, तो तुलसी साहब इसे एक और एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। वो फरमाते हैं है घट में, जो पिता परमात्मा हमारे अंदर है, घट में, ये शरीर को घट कहा गया है, घट में सूजत नहीं, हम सोते नहीं हैं। हम तो सोते पिता में पता है आसमान में बैठे हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, हमसे बहुत दूर हैं। तो वो तुलसी साहब समझा रहे हैं घट में सोजत नहीं, लानत ऐसी जिंद। वो कह रहे ऐसी जिंदगी पर लानत है जिसमें पिता परमेश्वर तो हमारे अंदर है लेकिन हम सोचते नहीं है कि हमारे अंदर है। कह रहे ऐसी जिंदगी जीना एक लानत है, ऐसी जिंदगी इंसान को नहीं जीनी चाहिए। जो ऐसी जिंदगी जी रहा है उसकी जिंदगी बेकार है। स्ट्रॉन्ग वर्ड में बता रहे हैं कि लानत है ऐसी जिंदगी जिसमें कि पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं लेकिन हम उसके बारे में सोचते ही नहीं कि हमारे अंदर भी हो सकते हैं।
और फरमाया तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। वो कह रहे सबको, जिसको मोतियाबिंद होता है आंखों में उसको दिखता नहीं कुछ भी। तो कह रहे हैं संसार में सबको मोतियाबिंद हो गया कि जो असलियत है वो उसको दिखती नहीं है, क्योंकि असलियत तो ये है कि हमारे घट में हमारे अंदर पिता परमेश्वर बस रहे हैं, लेकिन हमें दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमको मोतियाबिंद हो गया और तरह तरह के आवरण हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, मन माया के पर्दे चढ़े हुए हैं। और जब मन माया के पर्दे चढ़े हुए हैं तो उनको हम परे नहीं कर पाते। बार 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 महापुरुष समझाते कि हमारे अंदर इतनी रोशनी है कि जितनी 16 सूर्य की हो। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सूर्य की रोशनी पूरे इस संसार को रोशनी देती है। अगर इतनी रोशनी हमारे अंदर है तो हमको दिखती क्यों नहीं? क्योंकि अलग अलग माया के पर्दे उसके ऊपर पड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी लाइटें इन पे अगर 4 मोड़े मोड़े आप कंबल डाल दोगे तो कोई रोशनी दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही हमारी आत्मा के ऊपर पार ब्रह्मंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर, अंडी शरीर, पिंडी शरीर, ये 4 मोटे मोटे कवच पड़े हैं। इसीलिए अपने आप को हम अपनी ओरिजिनल अवस्था में देख नहीं पाते हैं। अगर अपने आप को अपनी ओरिजिनल अवस्था में देखना है तो फिर इन पर्दों को हमें हटाना होगा, और वही अभ्यास का तरीका है कि एक एक करके ये जो पर्दे हैं, जो शरीर हैं, ये हमारी आत्मा से हटे, ताकि हम अपने आप को जो हमारी ओरिजिनल स्टेट थी उसमें अपने आप को अनुभव कर पाएं। और जब अपने आप को हम अपने सही रूप में जान पाएंगे तो फिर हमारे कदम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि हम ये जान लेंगे कि हम तो प्रभु का ही हिस्सा हैं। अभी तो हम सब अपने आप को प्रभु से बहुत दूर समझते हैं, और क्योंकि पिता परमेश्वर से दूर समझते हैं इस करके हम प्रभु की ओर कदम बढ़ाते नहीं। लेकिन जब हमें ये यकीन हो जाए कि हम पिता परमेश्वर का ही अंश हैं तो फिर हमसे उनकी दूरी सहन नहीं होगी, हम में एक लगन उनको पाने की और तेज होती जाएगी, और तेज होती जाएगी, और तेज होती जाएगी। और जब वो लगन पिता परमेश्वर को पाने की तेज होगी तो हम देखेंगे कि हमारे कदम तेजी से उनकी ओर बढ़ने शुरू जाएंगे। बार 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 महापुरुषों कि जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमें असलियत का रास्ता दिखना शुरू हो जाता है। और बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि इस जिंदगी को हम बर्बाद ना करें। अगर इसमें पिता परमेश्वर को पाया नहीं तो ये जीना बेकार हो गया। अगर फिर से 84 लाख जिया जून में फंसे रहे और फिर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल बाद फिर से कोई मौका मिलेगा प्रभु को पाने का, तो इसीलिए हमें समझाया जाता है कि हम इस जिंदगी का पूरा पूरा फायदा उठाएं, अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, उनकी नज़दीकी पाते हुए अपने कदम हम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ाएं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आईबॉल्स आंखों के डेले सीधे सामने फोकस हों, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हों, आंखें बंद।
करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दौड़ाना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली सिंची के महापुरुषों हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।